रही पिला रही हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। आज का विला करते हैं जी शुरू। आज मुझे थोड़ा काम था, मैंने कहा यार ठीक है, शाहबाग भाई को मैंने कॉल किया था कि यार कुछ काम है, वहीं पर चलना है, फिर आप तैयार हो जाए 9:30 तक, लेकर अभी 10 बज रहे हैं, वो तैयार अभी हो चुका है, उसके गाँव उसकी गाड़ी नहीं मिली, इसलिए मैंने उसको लेने जाना है, उसके गाँव जा रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर कुछ खेतों में कुछ कष्ट करता हुआ घूमता फिरता, फिर हम साथ जाएंगे। लेकिन मैं रास्ते में था, मैंने कहा यहाँ से विलाग शुरू करते हैं, चलते हैं भाई के पास, आप उससे उसको यहाँ पर पिकअप करते हैं, उसके बाद आज का मंजर शुरू करते हैं। अभी हम शॉप में यहाँ पर जा रहे थे, गांव में गांव से पहला गांव जो आता है लश्कर का, लश्कर भाई उसका शॉप मेरे साथ वहीं पर शॉप है, इसका छोटा सा शॉप यहाँ पर बना हुआ है इसका भाई का, ये यहाँ पर शॉप चलाता है। और इसके पास यहाँ का सिस्टम कैसा है, यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, ये छोटा सा गांव में कैसे दुकान शॉप होता है वो आपको सारा कुछ मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं इस तरह का यहाँ पर काउंटर वगैरह बनाया हुआ है, और ये छोटा सा जगह छोड़ी हुई है, पीछे अगर स्टॉक वगैरह हो तो रख सकते हैं। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ये खाली खोखे पड़े हुए हैं और कुछ नहीं है अभी। ये यहाँ पर छोटा सा ये फ्रिज वगैरह, और ये तो रोटी खा रहा था अभी इसी टाइम, सुबह सुबह का टाइम ये रोटी खा रहा है। ये सिस्टम है यहाँ का, यही था यहाँ का सीन। शाहबाज भाई पैदल आ रहा है, इसको आने दे पैदल कुछ करे, ये इसका वजन भी बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए हम स्लो स्लो चलते हैं, यहीं पर रोकते हैं जैसे वो पैदल आए। और वो सामने नज़र आ रहा होगा यही गाँव है उसका, और ये जो खजूर का दरख्त नज़र आ रहा आपको होगा यही है, और उसके साथ ये और जैसे हम उताक करते हैं कहते हैं गेस्ट हाउस, और ये हमारा शाहबाज भाई यहाँ पर आ रहा है, हम इसको वेलकम करते हैं। लेट से भी आया फिर भी दुरुस्त आया। वालेकुम सर, कैसे हो? ठीक ठाक, आप खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत लेट कर दिया आपने, लेट कहा आपने बताया नहीं, मैंने आपको बताया था, मैंने शाहबाज भाई को फ़ोन किया था, मैंने कहा आप तैयार हो तो आप आने की करो, जैसे मेरा भाई भी आ जाएगा उसके बाद आगे चलेंगे, लेकिन इसने फिर भी लेट किया। लेकिन अभी 10:30 बज रहे हैं, अभी भी चलते हैं, यहाँ का व्यूज़ वगैरह लेते हैं, घूमते हैं, कुछ काम भी हम वहीं पर काम भी करते हैं, चलते हैं। शाहबाज भाई को पहले ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप गाड़ी चला, मुझे कुछ व्यूज़ वगैरह वीडियो लेनी है, इसलिए बड़ी मेहरबानी आपकी। तो आप हमें अरे गाड़ी चला रहे हैं या इस तरफ चलते हैं ना, इस तरफ यहाँ से क्यों? अच्छा ना यहाँ से चलेंगे, हाँ ठीक है, जैसे आपकी मर्जी चले सर। ये गांव के हिसाब से ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये राइस कटा हुआ है, अब इसको एक साथ करके फिर थ्रेशर में डाला जाएगा, और ये ट्रैक्टर के सामने आप देख सकते हैं, और ये गांव की मशीन सुपर टैप बना हुआ है ये यहाँ पर, और ये छोटा सा रास्ता यहाँ से जाता है, ये गाड़ी ख़राब हो गई थी एक, और दूसरी गाड़ी इसको टोचन करके आगे लेके जा रहा है। ये सारा गिरा बहुत ज़मीन पड़ी हुई है सारी, जिसे हम कलराट कहते हैं, ये सारी रास्ता, ये वैसे तो उसको जंगल के एरिया में आता है ये सारा, बेलो जैसे कहते हैं, बेलो तो सिंधी में कहते हैं लेकिन वैसे तो जंगल कहा जाता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, मतलब गवर्नमेंट की ये सारी। Thank you.
कम से कम दो चार पाँच छः एकड़ तो होगा ना, पाँच छः टुकड़ा आदमी होगा जहाँ पर जहाँ हम खड़े हुए हैं। हम यहाँ से जा रहे थे तो बीच में एक मच्छी का तला है, फिश का फार्म जिसे भी फार्म भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर पानी छोड़ा हुआ है। ये नीचे आप देख सकते हैं, हम ऊपर आए हैं यहाँ पर, जहाँ मिट्टी का यहाँ पर देख सकते हैं पीछे ये बना हुआ है, और बीच में ये बहुत बड़ा तला है, यहाँ पर पानी वगैरह यहाँ पर छोड़ा गया है, और यहाँ पर इसमें मच्छियाँ डाली गई, यहाँ पर मच्छियाँ वगैरह हैं, तो जैसे फार्म कहते हैं पकड़ते हैं, मतलब जो बड़े हो जाते हैं उसके बाद यहाँ पर शहर शिफ्ट करते हैं, ऐसे करके जैसे कुकड़ों का फार्म होता है, ये मच्छियों का फार्म है, बहुत बड़ा है यहाँ पर, बहुत अच्छा है। अगर ज़मीन यहाँ पर गहराबाद थी तो आबादी नहीं दे रही थी, तो उन लोगों ने यही काम किया, तो ये भी अच्छा, अब ये भी बना के देखो लोगों को दे रहे हैं, ये भी अच्छा काम। और बीच में वो सामने आप लोग चारों तरफ पानी है, बीच में इन लोगों ने फिर भी एक छोड़ दिया है, यहाँ से अगर गुजर कर जाना पड़े तो यहाँ पर कश्ती वगैरह हो तो वहाँ पर जा सकता है, नहीं तो वैसे भी जा सकता है। यहाँ पर पानी कम से कम गर्दन तक चीने तक पानी आ जाएगा, और इतना ज़्यादा पानी नहीं है, बहुत ये भी अच्छा काम है यहाँ का नज़ारा। शहबाज भाई आप यहाँ के हो, आप ये तो बताएं ये कब से ये बना हुआ है? मुझे 10 साल हो गए देखते हुए। 10 साल हो गए ये ऐसे ही बना हुआ है? बहुत ओल्ड बता रहा है कि 10 साल हो गए ये, हम ऐसे ही देखते आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। इसमें उसकी रोजी हो रही है तो अच्छी बात है ना, और उसके साथ नज़र आ रहा होगा पीछे वो तो आबादी है बिल्कुल, वहाँ पर तो लोग कास्ट वगैरह कर रहे हैं, लेकिन ये गहरा बात था वो भी, ये भी अच्छा काम। ये थ्रेशर जा रही है, चलिए मेले चलो, क्या आरती मेले चल दिया ना ना, क्या दूध पिला रही हो? और ये मेरी छोटी बेटी है और ये बड़ी है, पिलाओ उसको, पिलाओ दूध पिलाओ। ये मेरी छोटी बेटी है और ये बड़ी, ये अभी मोबाइल देख रही है, आज मेले का आखिरी दिन है, यहाँ पर फाइनल होगा, और ये यहाँ पर कस वगैरह थी, फायर ब्रिगेड गाड़ी भी यहाँ पर आ गई थी, मिट्टी की दुदड़ थी इसके लिए दरगाह पे, लेकिन ये आप सामने आज फाइनल होगा आखिरी, और जो भी जीतेगा 50,000 का कैश इनाम होता है, और दूसरा एक मोटरसाइकिल चाइना का होता है। आपको मेले का मज़ा लिया आपने? नहीं अभी देखा है यहाँ पे, अच्छा बहुत मज़ा आया है, देख रहे थे अभी जा रहा हूँ घर जा रहे हो? हाँ अच्छी बात है। आज जो ड्यूटी पे छुट्टी पे आए हुए हो? दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जैसे न्यू वीडियो आने वाले आप तक पहुँचता रहे। मुझे